आरआर मीडिया 24/7 में आपका स्वागत है। मैं प्रीति। कारंजा में गई जमीनों को लेकर किसानों ने मुआवजा की राज्य सरकार से अपील करते हुए बिदर में अंबेडकर सर्कल के पास आईबी के सामने कर रहे धरना प्रदर्शन, जहां पहुंचे समर्थन देने आम आदमी पार्टी के नेता। आरआर मीडिया से बात करते हुए सैयद जमील खादरी ने कहा कि अगर इन किसानों की मांगे जल्दी पूरी नहीं हुई तो कारंजा डैम के दरवाजे आम आदमी पार्टी द्वारा जबरदस्ती खोल दिए जाएंगे और तबाही मचा देंगे। गुलाम अली काउंसलर आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि अगर किसानों की मांगे पूरी ना हुई तो केजरीवाल भी किसानों के समर्थन को लेकर बिदर पहुंचेंगे और जोरदार धरना करेंगे। बिदर से संवाददाता अमजद पाशा की रिपोर्ट, कैमरामैन अनवर मलिक के साथ। सैयद जमील खादरी, ये जो हो रहा चल रहा साहब, किस लिए चल रहा है ये? कारंजा का जो जमीनों के पैसे नहीं दिए और हमारे किसानों का, मैं भी एक अथवाल गांव का एक किसान का बेटा ही हूं मैं, तो तकरीबन हमारे किसान भाई इससे पहले भी 80 दिन बैठने के बाद ये टेंट उठा के हमारा फेंके। हम हमेशा आज 1972 में हमारे ज़मीनें दिए, कई लोग पैसा देते देते बल्कि हमारे माँ बाप भी गुजर गए, रोटी और रोजी को तरस के हमारे कई बच्चे किसानों के आज पूरे इधर बने उधर हैदराबाद उधर महाराष्ट्र करके खा रहे हैं। और यहाँ से जो पानी ले रहे इधर में टैक्स ले रहे, हमारे पैसे जो कारंजा के दे रहे नहीं, और हमेशा लड़ रहे हैं। सिर्फ फायदा किसका हुआ? आज तक जितने सरकारें हैं, जो जो सरकार आई उनका एमएलए एमपी और यहाँ के डिपार्टमेंट जो ठेकेदार है कारंजा का, उनका फायदा हुआ। हमें सिर्फ क्या तालाब का किसान का क्या है? किसान से कभी भी कोई भी दुश्मनी मोड़ ले नहीं सकता। सीधी अगर उंगली से घी नहीं आया, किसान को टेढ़ा करना पड़ता है। और हम उनके साथ है आम आदमी पार्टी बीदर डिस्ट्रिक्ट का। जो जो सरकार में रह रहे, जो सरकार में नहीं रह रहे, एक के ऊपर एक डाल रहे। और जब अपनी सरकार आती, अपनी कुर्सी रहती तो हमारे किसानों का बात नहीं कर रहे। अभी आम आदमी पार्टी का समर्थन कब तक करेंगे? ये हमेशा जब तक हमारा हक नहीं मिलता, हम किसानों पर आम आदमी हमेशा दराज रहेंगी और इनके साथ लड़ने के तैयार है, मरने जीने के तैयार है। अगर पैसे नहीं देंगे आम आदमी, हमारे किसान पूरे गेट उठाएंगे, पानी छोड़ देंगे। ये मेरी एक, मैं भी एक किसान का हूँ। अगर गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, मैं किसान का आदमी बच्चा हूँ और पूरे किसान के बच्चे आज रोड पे है, बेरोजगार है, ना नौकरी मिली ना जमीन चले गई, हम जमीन भी करके नहीं खा रहे। तो इसलिए मैं जब तक है, हम जब तक नहीं उठेंगे, हम साथ देंगे। पूरी गवर्नमेंट हमारा जो मांग है वो देना, हक देना। जय हिंद, जय कर्नाटक। नमस्ते एलर्गे, मैं तालुका प्रेसिडेंट आम आदमी मोहम्मद गुलाम अली। दूसरे तरफ भी चलेंगे, 18 दिन से यहाँ बैठे हैं, आज तक कोई इधर देखा नहीं आगे। और डीसी साहब की रोड एज है, इधर आंख निकाल रहे हैं देखने के लिए। उनके कान पे बात गई नहीं? कान पे बात अभी उनकी गई, लेकिन इधर कभी कोई आगे देखे नहीं। और किसानों के पूरे बच्चे लेबर हो गए और हिंदुस्तान हमारा देश, हिंदुस्तान चुड़िया किसान के ऊपर है डिपेंड पूरा, और पूरा आत्मनिर्भर हमारा किसान के ऊपर है। किसान के ऊपर कोई देखने वाला नहीं है। और ये 40% की सरकार और 20% की सरकार, दोनों का भी काम वही है। कांग्रेस गवर्नमेंट भी वही काम की है, वही काम बीजेपी भी कर रही है। किसानों को कोई देखने वाला नहीं है। अभी क्या हुआ धरना? अभी धरना देंगे। पहले भी 80 दिन बैठे थे लोग, उनका टेंट उखाड़ के फेंक दिए, और अब 18 दिन से बैठे और कोई पूछ के देखने वाला नहीं है। तो फिर ऐसा कुछ हालत बनेंगे आपके टेंट उखाड़ के? हाँ, स्ट्राइक करेंगे, बैठेंगे, धरना देंगे। फिर भी हल नहीं हो रहा तो फिर आगे क्या हो रहा? आगे हाँ, हम केजरीवाल साहब को बुलाएंगे, अभी बात हुई उनसे। डेमोक्रेटिक पार्टी है।